हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल कैमरा में क्विक लॉन्च जेस्चर सेटिंग क्या है और इस सेटिंग से क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ मोबाइल कैमरा में क्विक लॉन्च जेस्चर सेटिंग मोबाइल कैमरा का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल कैमरा को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल कैमरा में क्विक लॉन्च जेस्चर सेटिंग ऑन करना होगा। तो कैसे ऑन करेंगे, तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करना है। मेरा ये ओप्पो का मोबाइल है, मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आप अपने कैमरा ओपन कर लीजिए। जैसे मैं कैमरा ओपन कर लिया, और उसके बाद ऊपर साइड राइट साइड कोने तरफ आप इस थ्री लाइन पर क्लिक करिए, और उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करिए, और उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्विक लॉन्च जेस्चर सेटिंग मिल जाता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप ये सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। और ये सेटिंग ऑन करने से होगा क्या, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डबल प्रेस एथर वॉल्यूम बटन टू लॉन्च द कैमरा व्हेन अ स्क्रीन इज ऑफ नॉट अवेलेबल ड्राइंग ऑडियो प्लेबैक। मतलब कि अगर जो आप ये सेटिंग ऑन कर दिए हैं, और ये सेटिंग ऑन करने के बाद अगर जो आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑफ है, और उस टाइम आप वॉल्यूम बटन, जिससे आवाज़ कम या ज़्यादा करते हैं, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, किसी भी बटन को आप दो बार प्रेस करेंगे, आप वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार प्रेस करें या वॉल्यूम प्लस वाले बटन को दो बार प्रेस करेंगे, लगातार जल्दी जल्दी दो बार दबाएंगे, तो उस टाइम जो होगा आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आपका मोबाइल में ऑडियो बजते रहेगा, उस टाइम ये वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि इस सेटिंग से क्या होता है। इस सेटिंग से यही होता है, इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे और उसके बाद आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा, तो उस टाइम वॉल्यूम बटन को दो बार दबाएंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा।